हेलो क्लास सेवन, हम अपना पाठ छह भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना प्रश्न नंबर 11। क्या है प्रश्न नंबर 11? हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसे परिवर्तन ए का नाम दिया हुआ है, फिर यही गैस जलती है और इसे परिवर्तन बी का नाम दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। पहला, प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा, प्रक्रम ए व बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा, इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो अब बच्चों आप फिर से ध्यान दीजिए, परिवर्तन ए क्या है? परिवर्तन ए कहता है जब वह द्रव जो है वह गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो यह परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन हो गया है ना, और ये इरिवर्सिबल भी नहीं है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं परिवर्तन बी की। परिवर्तन बी में गैस जलती है, ध्यान दीजिए। तो गैस जलती है का क्या अर्थ हुआ? जब भी किसी प्रक्रम में जलना या बर्निंग की एक्टिविटी होती है तो वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों अब देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 12, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस या बायोगैस बनाते हैं। इसे परिवर्तन ए का नाम दिया गया है। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में चलाई जाती है, जिसे परिवर्तन बी का नाम दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुने। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का आपको दिया हुआ है, प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा, प्रक्रम ए व बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए जो चौथा भाग है कि इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह बिल्कुल गलत ऑप्शन। अब आप ध्यान से दोनों परिवर्तन देखिए। परिवर्तन ए जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसमें अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस या बायोगैस बनती है। तो क्या सबसे पहले आप ध्यान दीजिए केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल चेंज में हमने पढ़ा हुआ है ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, एक नया पदार्थ बन रहा है, जैव गैस बन रही है, इसकी गंध भी अलग होगी क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों से ये बन चुका है। तो जब ये इन प्रॉपर्टीज पे उतर रहा है, दिस मींस परिवर्तन ए या चेंज ए जो है वो एक केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं परिवर्तन बी की। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर हम कुछ भी चीज को जला देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है जब जल जाता है। तो यह प्रक्रम परिवर्तन बी जो है यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसीलिए इस प्रश्न का जो तीसरा भाग है, देखिए प्रक्रम ए व बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ बच्चों आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अगर नहीं तो यू नो व्हाट टू डू, शिक्षक हरियाणा पे जाइए और चैप्टर नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की पूरी प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। उन्हें देखिए जब तक आपको समझ न आ जाए। टिल देन अच्छे से नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।